तो वहीं शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछले 3 माह से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ नशा कारोबारियों के खिलाफ अब तक कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर रोड स्थित शिवा मेडिकल स्टोर पर सामने आया, जहां इस मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की आड़ में युवाओं को नशे के इंजेक्शन और दवाइयां परोसी जा रही थी। यहां नशा करने वाले युवाओं के परिजन मौके पर पहुंचे और अपने बच्चे को शिवा मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयां लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद परिजनों ने इस मेडिकल स्टोर पर जमकर हंगामा किया। तो वहीं इस मेडिकल स्टोर के संचालक पर पूर्व में भी नशे का सामान बेचने पर मामला दर्ज हो चुका है। कुछ नहीं सर, ये इसमें ये सामने वाला मेडिकल वाला मेरे लड़के को है ना, शिवा मेडिकल, वहाँ से ये खरीदता हुआ मेरे भाभी भैया ने पकड़ा है उसको। सर तो क्या करे, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको लेके नहीं जा रही पुलिस। हाँ अभी यहाँ से ही है ना, मेरे लड़के को और एक और लड़के को वहाँ से लेके गए। इसमें ये शिकायत हुई थी, इनफैक्ट ये जो शिवा मेडिकल स्टोर करके है, इसका ये वहाँ पे एक समाज के बड़े समाज के व्यक्ति गया था, उसने पता चला कि उसमें इंजेक्शन सप्लाई करता है और उसको उसके परिवार वाले भी पहुँचे कि ये नशे के लिए विल इंजेक्शन देता है। तो उस पर से पुलिस ने फिर उसका जो वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह से हैं उनसे भी पूरा उस पर छानबीन कराई थी पूरे स्टोर की। उन लोगों को इवन 8 सीरिंज मिली है एविल की और अनधिकृत रूप से ये बेच रहे थे, तो इसमें इनके ऊपर NDPS की कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शिवा मेडिकल स्टोर पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, शिवपुरी।